आगामी विधानसभा चुनाव में सभी 6 विधानसभा के प्रत्याशियों द्वारा गुरुवार को चौथे दिन भी आवेदन जमा किए गए। वहीं राष्ट्रीय पार्टी के प्रत्याशियों के अलावा निर्दलीयों ने भी अपना आवेदन जमा किया। दुर्ग जिला कलेक्ट्रेट में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर सभी 6 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार अपना आवेदन जमा कराने पहुंच रहे हैं। वहीं आज नामांकन के चौथे दिन भी बड़ी संख्या में प्रत्याशियों ने अपना आवेदन जमा कराया, जिसमें राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस के विधायक प्रत्याशी अरुण वोरा और भाजपा दुर्ग ग्रामीण से ललित चंद्राकर ने अपना फॉर्म जमा किया। इसके साथ ही अहिवारा से निर्मल कोसरे और वैशाली नगर से मुकेश चंद्राकर ने अपना आवेदन फॉर्म जमा किया। इसके साथ ही आज शहर की मूलभूत समस्याओं को लेकर छत्तीसगढ़ महतारी पार्टी से ध्रुव कुमार लंगूर सुनी ने अपना आवेदन जमा किया। साथ ही स्वाभिमान मंच पार्टी से प्रत्याशी के रूप में उतरे प्रत्याशी ने फॉर्म लेने नकदी रकम सिक्का चिल्हर लेकर पहुंचे। वहीं अपना आवेदन जमा कराने पहुंचे प्रत्याशियों ने मीडिया से अपनी प्रतिक्रिया दी। दाखिल की प्रक्रिया जनता का स्नेह और प्यार और आशीर्वाद के अनुरूप दाखिल किया गया है और दुर्ग शहर की विकास की मूलभूत जो समस्या, जो भ्रष्टाचार कांग्रेस और बीजेपी के शासन काल में हुआ है, उस भ्रष्टाचार के खिलाफ जो है हम शंखनाद करने जा रहे हैं। शहर की जनता की मूलभूत सुविधा जैसे कि पानी है, बिजली है, रोड है, नाली है, तमाम ऐसे कई भ्रष्टाचार जो है दोनों शासनकाल में हुआ है, उस भ्रष्टाचार को उजागर करने के लिए अब जनता के दरबार में जो है हम जाएंगे। प्रियंका गांधी जी आएंगी, अभी सूचना मुझे प्राप्त नहीं हुई है। जैसे ही सूचना प्राप्त होगी मैं आपको इसकी जानकारी दे दूंगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का काम है आरोप लगाना, हमारा काम है करना। तो हमने जो इन 5 वर्षों में किया है, अरे भाई भूपेश है तो भरोसा है, भरोसे की सरकार है, भरोसा बरकरार है, यूँ ही नहीं कहा जा रहा है, पूरे देश में चर्चित है और हिंदुस्तान में सर्वश्रेष्ठ मुख्यमंत्री के रूप में 3 बार उनको खिताब हासिल हुआ है। तो भारतीय जनता पार्टी क्या कहती है क्या नहीं कहती है, इसके बारे में हमको जानकारी नहीं है। हम जानकारी रखते हैं, हम अपनी जानकारी रखते हैं। अरे भाई आप देखिए, मैं आपको युवा नहीं दिखलाई दे रहा हूँ? अरे मैं खुद युवा हूँ, कांग्रेस का युवा उम्मीदवार हूँ। वो उनका व्यक्तिगत विचार है, मैं किसी के व्यक्तिगत विचार पे टिप्पणी नहीं करता। मैं काम पे भरोसा करता हूँ, मैं काम करता हूँ और काम बताए नहीं जाते, काम दिखाई देते हैं और उसका मूल्यांकन समय आने पर हमारे मतदाता जिन्हें मैं भगवान मानता हूँ वो करते हैं। कितना साकार हुआ है? जबरदस्त ढंग से साकार हो रहा है, आप देख नहीं रहे? सड़कें कितनी चमाचम हो गई है, झगड़ा बांध बन गया है और सबसे बड़ी बात, क्रिटिकल केयर यूनिट 25 करोड़ की लागत से आज तक हमने तो 15 साल में देखा नहीं अभी। और दुर्ग में हॉस्पिटल में जो सुविधाएं होनी चाहिए, आप देखिए 3 ऑक्सीजन प्लांट वहां पर आए, ये सब दीजिएगा जो मैं बोल रहा हूँ। 500 करोड़ की राशि हमने स्वीकृत कराई है मुख्यमंत्री जी के माध्यम से, हमारे महापौर धीरज बागलीवाल जी और हमारे परिषद के सभी सदस्य, कांग्रेस के सभी सदस्य लगातार इस दिशा में सतत रूप से जागरूक रह के मॉनिटरिंग करके दुर्ग के विकास को आगे बढ़ाए। अकेला मैं कुछ नहीं कर सकता, जब सबका सबका साथ होगा है, बहुत सारी योजनाएं धीरे धीरे करके आप देखते जाइए ना, कांग्रेस है तो भरोसा है, कांग्रेस में सब होगा। दुर्ग ग्रामीण में आपको साफ दिखेगा वहाँ पे एक बदलाव का व्यवहार है, उस क्षेत्र की जनता और भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता अपने काम में लग गए हैं और वहाँ पे खुशी का एक माहौल है। आप जब जनता और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से मिलोगे, उसके चेहरे पे आपको साफ खुशी नज़र आएगा और सब उत्साह है, सब उत्सुक है कि 17 तारीख को भारी मतों से मतदान डाल के 3 तारीख को भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्र से जनप्रतिनिधि चुन के छत्तीसगढ़ प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की फिर से सरकार बनाने के इस क्षेत्र की जनता ललाहित है। वहाँ पे जो 3 बड़े प्रमुख मुद्दे हैं, एक सबसे बड़ा मुद्दा है भ्रष्टाचार का, दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा है वहाँ पे आपको परिवारवाद का, तीसरा सबसे बड़ा मुद्दा मिलेगा वहाँ पे आपको
कानून व्यवस्था को लेके। कानून व्यवस्था का ये आलम है कि आए दिन वहाँ पे मर्डर, लूट खसोट, जुआ सट्टा खुलेआम हो रहा है और नशा का कारोबार तो ऐसा है आप गली गली में, आपको गांव गांव में, शहर शहर में आपको मिलेगा, जिसके कारण उस क्षेत्र की जनता अपने आप को बहुत ठगा सा महसूस करते हैं और बहुत त्रस्त है इस सरकार से। जब से ये सरकार आई है तब से उस क्षेत्र की जनता का जो जीना दुश्वार हो गया है और छत्तीसगढ़ एक जो शांति का टापू था वो कहीं ना कहीं अब एक उड़ता छत्तीसगढ़ की तरह ये लोग कांग्रेस के लोग ले जाने के प्रयास कर रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस पूरा इस क्षेत्र में फिर से वो जो खोया हुआ जो छत्तीसगढ़ की जो पहचान है उसको वापस लाने का पूरा काम करेगी और फिर से भारतीय जनता पार्टी को लोग चाह रहे हैं छत्तीसगढ़ में विकास की गंगा बहे और लोगों का काम हो, जनता के हित का काम हो, उनके लिए जो काम हो सके वो पूरा काम हो। जनसंपर्क अभी चल रहा है और 28 और 29 तारीख को छुट्टी रहेगा, 30 तारीख का नामांकन की आखिरी अवधि रहेगा, इसके लिए मैंने आज नामांकन दाखिल किया। छत्तीसगढ़ में जो भूपेश बघेल जी की सरकार है भरोसे की सरकार है, विकास हमारा मुद्दा होगा और छत्तीसगढ़ की सरकार ने जो 5 साल में भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में जो काम किए हैं उन कामों को लेकर हम छत्तीसगढ़ की जनता के बीच, अहिवारा विधानसभा क्षेत्र के आम लोगों के बीच जाएंगे। 30 तारीख को माननीय प्रियंका गांधी जी का कार्यक्रम प्रस्तावित है राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ विधानसभा के मोहंदी गांव है जो जालबांधा से लगा हुआ है, वहाँ उनका सभा भी प्रस्तावित है, अभी मिनट टू मिनट कार्यक्रम आना बाकी है, वहाँ सभा होगा और तमाम हमारे जिले के सारे लोग एक साथ हम लोग 30 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी, गृह मंत्री जी और अरुण बोरा जी, देवेंद्र यादव जी, मुकेश चंद्राकर जी और मैं, हम लोग साथ में एक साथ 6 लोगों अपना नामांकन दाखिल करेंगे। लगभग 12:08 पे इसका कार्य संपन्न होगा। जनता के सामने हम विकास के मुद्दों को लेकर जाएंगे। माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी का जो 5 साल का जो कार्यकाल है और उन्होंने जितने जन हिस्सेदारी कार्य किए हैं, जो पब्लिक तक योजनाएं जो की है उसको मुद्दे को लेके ही हम जनता के पास जाएंगे। नगर निगम के जो कार्य हुए हैं पिछले 2 साल में उसको लेके हम जाएंगे। निश्चित रूप से जनता की जो समस्याएं जो रहेंगी उसको लेके ही हम उनके पास जाने वाले हैं और उनकी जो भी समस्या होगी उसे क्रमानुसार निराकरण भी किया जाएगा। देखिए ये आंकड़े की बात होती है, हम लोग आंकड़े की बात तो नहीं करते क्योंकि जो बोलते हैं वो करते हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी का भी टैगलाइन चला है कि भाई भूपेश से तो भरोसा है, तो हम लोग जनता जनार्दन के जो विश्वास है, जनता जनार्दन का जो आशीर्वाद है उस पर ही हम बात करेंगे और विजयी होंगे, निश्चित रूप से हमारी जीत है। ग्रैंड एशिया न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।